गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम फिर से अपनी बुक का वर्क करेंगे। सो ओपन द एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द बॉक्सेस, यानी कि जो बॉक्स आपको दिए गए हैं ये आपको फिल करने हैं। स्टूडेंट्स, जो ये आपका ओ यानी कि वंस, टी यानी कि टेंस, एच 100 एंड टी एच 1000 इस फॉर्म में है, तो आपको ये जो डिजिट वाले नंबर्स दिए गए हैं आपको ये बताने कि ये कौन से बॉक्स के अंदर फिल होंगे। फर्स्टली उसमें लिखा है 3623, यानी कि जो ये नंबर लिखा है ये इस फॉर्म में फिल करना है, तो कितने थाउजेंड है वो 3, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे 3। फिर 600, फिर 2 एंड देन 3, यानी कि 3600, 2 टेंस, 3 वंस, ये इसके अंदर फिल करने हैं। सिमिलरली ऑल पार्ट्स डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर टू है राइट द नंबर नेम्स इन योर नोटबुक्स देन राइट देयर नेम्स, यानी कि इनके जो है आपको नोटबुक और बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर टू, पहले मैथमेटिकल वाले नंबर जो है वो आपको यहाँ फिल करने हैं, और स्पेलिंग्स वाले जो नंबर है, नंबर नेम्स से पता चल रहा है ना स्पेलिंग वाले नंबर है, तो वो आपको नोटबुक के अंदर फिल करने हैं। 5300, 7 टेंस, 1 वंस, यानी कि जो आपको इस तरीके के नंबर दिए हैं इससे ये वाले नंबर लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे अब ये वाले हम 5371। पहले सारे ये वाले नंबर फिल कर लेना, फिर उसके बाद मैं आपको नोटबुक वाला वर्क बताती हूँ कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स, नोटबुक के अंदर आज की डेट डाल लेंगे, और डेट डालने के बाद एक्सरसाइज नंबर डाल लेंगे कि ये आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। 1.2 कर रहे ना, तो हम लोगों ने ये लिख दिया 1.2। इसका आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है, क्वेश्चन नंबर आपने 2 किया है, तो आप लोग भी इसका क्वेश्चन नंबर 2 उतार देंगे कि राइट द नंबर नेम्स इन योर नोटबुक्स। नोटबुक के अंदर फर्स्ट में क्या था, 5300, 7 टेंस, 1 वंस, ये आपने इसका मैथमेटिकल डिजिट वाला नंबर बना दिया था 5371। तो अब आपको वो स्पेलिंग वाले नंबर भी लिखना है कि 5371, देन इसका बी पार्ट उसके बाद 6802, तो ये क्या बन जाएगा 6800, 0 टेंस एंड 2 वंस। स्पेलिंग वाले नंबर में इस तरह बी पार्ट इस तरह डाल देंगे बी, और बी पार्ट डाल के 6802 जो आपकी वो डिजिट बनी है बुक के अंदर, जो ये डिजिट बनी है ना यहाँ, ये यहाँ उतार लिया, और इसको स्पेलिंग वाले नंबर में लिखा 6802, हो गया ना। अब उसके बाद जितने भी इसके अंदर पार्ट्स दिए हैं सी डी ई एफ, डू योर सेल्फ। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म जो हमने सबसे स्टार्टिंग में अपनी नोटबुक के अंदर भी पढ़ी थी, तो हम लोगों को पता ही एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी होती है। सबसे पहले थाउजेंड वाला प्लेस लिखते हैं, 1 है थाउजेंड प्लेस पे, 1 लिख दिया हमने। उसके पीछे कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, कितनी जीरो लगाएंगे, 1, 2, 3। 100 प्लेस पे 8 है, उसके पीछे कितनी डिजिट है, 2, तो हम 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ टेंथ प्लेस पे 2 है, उसके पीछे कितनी डिजिट है, 1, तो 1 जीरो लगा देंगे। देन 7, इसके पीछे कोई डिजिट नहीं, तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे इसके पीछे। इस तरीके से ये अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको कंप्लीट करनी है। राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या है, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखना है 4310 प्लस 9, तो इसको किस तरह लिख लो क्या, 4319। इसी तरीके से बी सी डी अपने आप करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच सर्कल डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। हम लोगों ने नोटबुक में भी पढ़ा था कि केवल उसी पार्ट की बतानी है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जिसको सर्कल किया गया है, किया गया है ना। सबसे पहले कॉलम प्लेस वैल्यू बतानी है, प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है फर्स्ट वाले पार्ट में, 9 की, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। कितनी डिजिट्स है इसके पीछे, 1, 2, 3, कितनी जीरो लगाएंगे, 1, 2, 3। फेस वैल्यू हम लोगों ने बताया था कि वो किसी भी प्लेस पे हो, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, फेस वैल्यू ऑलवेज सेम रहती है, दैट्स कॉल्ड 9। सिमिलरली ऑल पार्ट्स टू योर सेल्फ। आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन नंबर 5 वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा कंप्लीट द सीक्वेंस। जो हम लोगों ने कल पैटर्न वाला क्वेश्चन पढ़ा था, कंप्लीट किए थे सेंटेंस, कल वो हमारे रेगुलर बॉक्सेस थे, इस बार मिडिल बॉक्सेस हैं, इनको आपको कंप्लीट करनी है। फर्स्ट बॉक्स में 2035, देन फिर फिलअप है, फिलअप,
फिलअप, उसके बाद लिखा 2039 एंड देन फिर फिलअप, तो काउंटिंग पैटर्न ही होगा, देखते हैं। 35, 2036, 2037, 2038, 2039, इनकी काउंटिंग पैटर्न ही है, तो इसको फिल करते हैं। सिमिलरली ऑल पार्ट्स डू योर सेल्फ। आफ्टर कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 1, 2, 6, देन यू विल मैच द आंसर्स। सो दैट इज द आंसर 1, आंसर 2, बुक प्लस नोटबुक, तो नोटबुक में भी आपको पूरा करना है। आंसर नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ये सब आपको अपना खुद से करने के बाद, फिर उसके बाद ये सब मैच करने हैं आपको। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की क्या डायरी हो जाएगी, डू कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 इन योर मैथ्स बुक एंड नोटबुक। आपको अपनी बुक और नोटबुक के अंदर अपनी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करना है।